स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर, जहां आपको देखने को मिलेगी खूब सारी बकचोदियां विदाउट एनी एड ब्रेक्स। बिना रुकावट के मनोरंजन के लिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी बकचोदियां। तो आज हम लोग क्या पेश करेंगे भाई साहब? आज हम लोग फेस करने वाले अपनी वन ऑफ द हिट वीडियो इस समय की, इस समय लास्ट की वीक की, इस समय की मतलब लास्ट वीक की जो हम लोग ने कंटेंट डाला था उसमें से सबसे ज्यादा हिट जो हुआ था वो था सलार का ट्रेलर। मतलब कहीं ना कहीं हमारे वीडियो डालने के बाद सलार को रिकॉग्निशन मिला है, अच्छा तो सलार ने एक और ट्रेलर बना के डाल दिया है कि हम लोग फिर से बनाए। कि हम लोग फिर से उन लोगों को हेल्प करें वो रिकॉग्निशन पाने में। ज्यादा नहीं, 1400 व्यूज हमने पाए हैं और कुछ 50-60 मिलियन के ऊपर वो पा गए होंगे, ज्यादा बट डिफरेंस नहीं है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मेन होता है कि आप जो प्रमोशन कर रहा है वो कैसा है। तो एक तरीके से खराब है मूवी, उनको पता है ना, एट द एंड खराब होने वाली है, उनको पता है। तो उन लोगों ने देख लिया है कि यार ये लोग बढ़िया रिएक्शन दे रहे हैं इसके ऊपर, और लोग अपना मनवाने के लिए इन लोगों गरियार है, एक और बना के डाल देते, लोग थोड़ा और भरोसा कर लेंगे कि हाँ हाँ जो बेस्ट बेस्ट सीन होंगे इसमें वो ऐड करके डाल दिए होंगे इनने, हाँ। कि सबको लगे कि अरे वाह एकदम रगड़ा मार देगा आप सलार का ट्रेलर। बट नहीं, मूवी तो फ्लॉप है पहले से बता दे रहा, बाकी देखते हैं इसमें क्या किया है। अगर एक भी सीन कॉमन मिल गया हम लोग तो बॉयकॉट गैंग हम लोग सेकंड बन जाएंगे इस बार, जो तुम लोग बहुत बॉयकॉट वॉयकॉट करते हो बात हो जाएगा। बॉयकॉट स्टार्ट करें इसको, चलो शुरू करते चलो हैं, करेगा वो। देखते हैं क्या करके लाए लोग। अरे उसने वहां पे पकड़ा, उसमें करंट आया ना उसको, तो मतलब अच्छा, ठीक है, तो वो अपनी जान की फिक्र नहीं है, हाँ वो प्रभास था, इतना गांडू बच्चा माता। ओ फर्सी नर्सी बता दिया भाई। मेरा ये मानना है भाई कि हाँ इस सीन के पहले जो लिख के आया था फ्रॉम द मेकर्स ऑफ केजीएफ, हाँ हाँ मतलब ये एक ऐसी बिगड़ी औलाद है जो बार बार कहीं पे भी पकड़ा तो जानता है मेरा बाप कौन है, जानता है मेरा बाप कौन है। सलार ट्रेलर को देख के मुझे सिर्फ और सिर्फ वही फील आ रहा है, जानता है मेरा बाप कौन है। हर बार वो और केजीएफ के लिए आ रहा है ना वो माँ विजन। के लड़ों ने इतना हरामी बना कर दिया, एक बच्ची ने इसमें थोड़ा सा म्यूजिक दिया बीजीएम में, हाँ तो उस बच्ची ने इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब अच्छा बच्ची क्यों करेगी ऐसा, और जी अगर करती है ऐसा तो फिर उसका गाना वाना नहीं डालना चाहिए, इतना इन लोगों के पास इतना पावर है। हाँ तो इन लोग एक बच्ची के थ्रू लीक करवा दिए हैं झूठ झूठ बोल के, मतलब जो है इनसाइडर इन्फॉर्मेशन वही कि हाँ लोग और जाएं। केजीएफ का लिंक बहुत लोग उसको मान लिए होंगे, उसने स्टोरी लाइन नहीं बताई, बस इतना बोल दिया है कि प्रभास है, उसके बाद यश अंकिल है, एक और हाँ अंकिल है जो वो है जो इसमें इसका भाई बना हुआ है, दोस्त बना हुआ है हाँ वो, ये तीन अंकिल हैं। अब अंकिल यश अंकिल का नाम आ गया मतलब लोगों ने केजीएफ से रिलेट कर लिया, अब हाँ आधा जनता तो इसलिए पागल है हाँ कि ये हिट है। ये केजीएफ से मिला जाए। हाँ बट वो चीज भी क्लियर हो गई है कहीं ना कहीं, उन लोगों ने ट्वीट करके बता दिया है कि नहीं केजीएफ से कोई रिलेशन नहीं है, उसका रोल एकदम ही अलग होगा इस, तो मतलब अब यश के नाम पे ही मूवी चलेगी, बाकी प्रभास की तो बस की नहीं है एक्टिंग करना। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है काफी टाइम से। मैं कह रहा हूँ तुम पैन इंडिया नहीं वापस से उसी पुरानी जोन में जाओ, डार्लिंग मिस्टर परफेक्ट ऐसी मूवी बनाओ, बढ़िया चल रहा था काम तुम्हारा। यहाँ आके अपना करियर खराब हाँ कर रहे हो, खैर वही तो, उसको करना है क्या, पैसा कमाना तो करियर से कमा रहा है। फिर भाई एक टाइम के बाद नहीं देखेगा ना कोई, तो मैं तो कह रहा हूँ वो टाइम अभी ले आते हैं। वो टाइम तो हम लोग ला ही दिए हैं। और मेरे कुछ जान पहचान वालों भाई तुम जान हाँ लेना ये बिगड़ी औलाद है जो हर समय कहती है मेरा बाप कौन है गांडू का, यही बार कह रही है ये। बार बता दे रहा है ना। हाँ तुम देखा इसमें बोला क्या था, मिस्त्री को रिंच पाना दोगे, मतलब रिंच पाना देना चाहिए, गन दे दो क्या करेगा। तो वो दिखा दिए कि मैं गन से ये सब बना सकता हूँ, गन से ये सब बना सकते हो, रिंच पाने से। रिंच पाने के हेल्प से गन में भी ये सब मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। मुझे तो ये लगता है कि ठीक है लड़ाई दंगा अच्छी चीज है, जो इंजीनियरिंग करके है लोग बड़े बड़े उसमें काम कर रहे हैं के लिए, डिफेंस डिफेंस के लिए, तो हाँ तेल बेचने क्यों चले जाते हैं, तेल ही बेचेंगे और क्या। बेचने चले जाएं प्रभास उड़ा दो।
जो रेंज पुराना मिस्त्री है सब कर लेता है, तो फर्जी है तो बस तो पैसा खराब कर रहे हैं मिस्त्री है नहीं वैसे प्रवास की सब काम करने की। हाँ सुट्टा कैसे चलाया वहां पे? जूते से माचिस जला के। माचिस कहाँ थी? उसका ठीक देख लेना। टिकट निकाला है माचिस माचिस फेंका है टिकट जूते में रखे। भाई एनिमल जैसी होगी, भर के मतलब बदतमीजी नहीं होगी बट भर के एक्शन, कोई भी वेपन कहीं भी लगा के चला दिया। हॉलीवुड लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं बट अजीब सा सेटअप है इनका। अट्रैक्टिव भी लग रहा है फिर लग रहा है कि नहीं मजा भी नहीं आएगा वैसा वाला सीन होगा। इसमें जब वो लास्ट में बोल दिया ना कि जब दो दोस्त मरेंगे दुश्मन, अभी कट्टर दुश्मन बन गए। अभी तक ये लग रहा था कि ये लोग वो बुलाता है इसको कहीं से, हाँ और यही शो भी हो रहा है शायद। इसको पहले दुश्मनी हुई हो, बाद इसकी जरूरत पड़ गई हो फिर से ये। छोटे में चला गया था ना पहले वाले ट्रेलर में देखा था कि बाद जब इसको बुलाया गया है ना, बुलाएगा तो है ही हेल्प के लिए। मतलब दोस्ती बुलाता है ना इसको अपनी हेल्प के लिए। हाँ, वही तो बोला था कैलकुलेटर जो कैलकुलेट ना कर पाया ऐसा पागल लाया हूँ। मतलब वो है कि इसकी दोस्ती थी फिर अलग अलग हो गए, फिर जो गांड फटी गांड थी फटी तो फिर से बुलाया है उसको, बाप ने काम है उसे वाप बना रखा ना। जानता है मेरा बाप कौन है? फ्रॉम द मेकर्स ऑफ केजीएफ। मूवी यार मेरे को नहीं समझ में आ रही भाई ये। मेरे को लग रहा है राधे श्याम जैसा हाइप क्रिएट कर दिया गया है इसका। एक दो सीन होंगे जो अच्छे लग जाएंगे जैसे हर मूवी में होते हैं, हाँ बाकी बजट है बहुत ज्यादा इस मूवी का, एक्शन भरपूर होगा बिना सर पैर की होगी। बजट तो आ रहा है ऐसा, फर्जी फूक रहा है। आ ही रहा है जैसे बाहुबली बन गई, पता नहीं क्यों इतना लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए और थोड़ा बाहो भाग रहा है इधर उधर चीजें लोग साइड ये में हो देखो जा रही। कि एक्टिंग और वो सब चीज अलग, स्टोरी भी लाइन भी एक अलग चीज हो जाती है। फिर से वही चीज मैं बोलता हूँ कि अभी हनुमान की बात कर रहे थे हम लोग मूवी की, हाँ उसमें उसको पावर नहीं मिली थी तो वो मार रहा था, वो सही लग रहा था कि हाँ हनुमान की पावर है उसमें। हाँ 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 पर यहाँ पे क्या है, ये चूते की पावर जो दिखा रहे हैं ना, वही ये मुझे तो थोड़ा सा खराब लगता है चीजें। ऊपर से लड़ाई भी कर रहा है और सनकी भी दिखाया है जहाँ वो डाला पीछे करने के लिए, भाई तू बोल देता उसको जाके दो थप्पड़ मार के पीछे कर देता तो उसके ऊपर लॉन्चर चला दिया इसने। बाकी मुझे ऐसा तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि कुछ नहीं, अगर ये फौज को हराना है इसको, जैसे इसने क्या किया था तो बाहुबली में कि दिमाग भी लगा रहा ऐसे फाइट करके था, और षड्यंत्र उसके टेक्निक्स, हाँ टेक्निक्स यूज कर रहा टेक्निक्स था। यूज कर रहा हाँ था, तो वो चीजें लगती है जेन्युइन कि हाँ इंसान की माइंड वही का तो, पावर। बाहुबली के एरा में अगर ये एक बार फिर भी ये चीज करता कि हाँ उस टाइम पे कुछ ऐसा जड़ी बड़ी बूटी खा लियो कि अमर ही हो गया एकदम अलग फाइट कर रहा है तो भी चलेगा, उसमें भी नहीं किया ये सब और यहाँ पे कर दिया ये सब। तो वही सीन है भाई, मूवी तो फ्लॉप है। देखो बात है जो साफ, मान जो कितना भी तुम लोग कुछ भी कर लो
फ्लॉप है पिक्चर ये वाली। चलो ज्यादा मेरा मन भी नहीं है बात यार मूड खराब हो जाता है साला। तुम हाँ यार लोगों को ट्रेलर वाले जो मूवी मेकर्स हैं उनको हाइप चाहिए थे करके हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी कमेंट करने वाले उनको लोग लग रहा होगा कि हम लोग अपने हमको व्यूज आ रहे हैं। साला 2000 में तुम लोग क्या खाना देगा रहे हम लोगों को है? हर दूसरे की वीडियो में आके 60 वीडियो आप में व्यूज नहीं आता है, तुम लोग पहले कह देते हो कि उसके नाम पे कमा के खा रहे हैं। लौड़ा तुम्हारा बाप बैठा है हमारा जो वहां चिल्लर खाने के लिए हमारे ऊपर। हम लोग तो बोलते हैं कि ऐड नहीं आता, ऐड नहीं आता तो पैसा कहाँ से आएगा दादू दूसरी बार। इंट्रो में ही बोल दिया बिना किसी ऐड के, तुम लोग कह रहे हो कमा के खा रहे हो इसके नाम हम पे। लोग तो सिर्फ मस्ती करने आते हैं, यहाँ पे हाँ बैठे हैं मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय हो रहा है। ब्रो, यहाँ पे हम लोग का व्यू क्या है ना, 3 दोस्त होते हैं तो 2 दोस्त सामने बैठे हैं, एक हमारा दोस्त है व्यूअर, और वही वो दोस्त है जिसकी मौज ली जाती है। तो तुम वो फंस गए हो, तुम्हें खराब लग जाए तो ठीक, ना लगे तो ठीक। तो यही है भैया, फ्लॉप पिक्चर के बारे में रिव्यू दे के हो गया है मूड बाकी खराब। ये मूवी जो तुम मेनली जब देने आते हो रिएक्शन, तो तुम्हारे मन में एक इंसान की तो बात चलती रहती होगी ना। ये मूवी का जब मैं रिएक्शन देना था तो एक बंदा है जिसके बारे में मैं, हाँ कि हाँ मेन तो मेरा टारगेट वो है, बाकी तो सबसे बाद में बात होगी। अभी फोन आएगा देखना जैसे अपलोड होगी हाँ ना। जैसे ही अपलोड होगी तुरंत, क्या पता वही चला है। चलो फिर वही चलो देखते फिर हैं। आज के लिए इतना ही, सायोनारा।